उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं, जो फरवरी 2024 में पहला रनवे उसका कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं। ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, यहां पे SLMG बेवरेजेस ने जो या बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रहकर के सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का इस शिकार बना था, लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो, और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा, बल्कि इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर, मुझे अभी लदानी जी बता रहे थे कि स्थानीय ITI पॉलिटेक्निक या स्थानीय संस्थानों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं छात्रों को यहां हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके एक इंस्टीट्यूट को यहां पे डेवलप करेंगे। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक अवसर है जब हम PM इंटर्नशिप स्कीम और CM इंटर्नशिप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कोई भी उद्योग जो इस प्रकार के नौजवानों को अपने साथ जोड़ेगा, आधा मानदेय उद्योग को देना पड़ेगा और आधा मानदेय 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए स्वयं सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। और इस स्कीम का लाभ अगर कोई भी उद्यम लेता है तो हमारे यूथ के पास अनुभव होगा, उसको कहीं भी प्लेसमेंट की एक नई सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन साथ साथ उद्यम को भी अपनी रुचि और अपनी पसंद के योग्य मैन पावर की उपलब्धता उनके सामने यहां पर स्थानीय स्तर पर ही उन्हें उपलब्ध होती भी दिखाई देगी। बहुत शीघ्र हम लोग लगभग 2000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव आपके इस अमेठी में और लेकर के आने वाले हैं। यूपी सीडा के द्वारा जो यहां पर इस औद्योगिक परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गई है, उस आरक्षित भूमि में नए प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इन प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो यहां की लोकप्रिय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो बात कही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य किसी भी एक्सप्रेस हाईवे पर, हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के नए क्लस्टर विकसित करने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कानपुर से लेकर के झांसी के बीच 38,000 एकड़ भूमि पर एक नए औद्योगिक शहर के निर्माण की कार्रवाई को भी बसाने की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। आप आश्चर्य करेंगे कि नोएडा को बसाने में और नोएडा को स्थापित करने में 46 वर्ष लगे। कुल 35,000 एकड़ भूमि हम लोगों ने यहां पर अब तक अर्जित की है, जिसमें टाउनशिप भी है और निवेश भी है। निवेश के लिए वहां पर औद्योगिक निवेश के लिए भी भूमि वहां पे आरक्षित की गई। लेकिन बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही फेज में हम लोग 38,000 एकड़ भूमि को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां एक नया एयरपोर्ट